राम राम भाई सारे किसान भाइयों ने अपने चैनल पर। किसान भाइयों, आप लोग ट्रैक्टरों की, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बहुत वीडियो देखते हो, या फिर रो मेले की, टोचन मेले की बहुत सारी वीडियो आप देखते रहते हो। आज हम आपको दिखाएंगे वेंटेज कारें, जो बहुत ही पुरानी पुरानी नामी गिरामी कंपनियों की गाड़ियाँ हैं और बहुत ही कम चली हुई गाड़ियाँ हैं। पुराने टाइम पर ये गाड़ी आपको हिंदी फिल्मों में राजा महाराजाओं के घरों पर खड़ी देखी होंगी, उन्हीं में आपने इनके दर्शन किए थे। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी मात्रा में कलेक्शन कर रखी है हमारे एक दोस्त ने, जो कि इंडिया के अंदर गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले हैं, और जिसको आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आदि जो नेटवर्किंग साइटें हैं उन पे आप देख सकते हैं के पटेल के नाम से। उनके पास इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां हैं और जो कि 99% ओरिजिनल होंगी, और आप लोगों ने तकरीबन जो है बहुत सारी तो देखी नहीं होंगी, और जो बहुत सारी देखी भी होंगी तो वो गाड़ी आप लोगों को हिंदी फिल्मों में देखने में मिली होगी। और ये एक गुजरात का हमने टूर किया है, और उस टूर के अंदर जाके इसकी वीडियो बनाई है। के पटेल 1 नवंबर को हमारे पास मिलने के लिए आए थे, उसके बाद 5 नवंबर को जो है हम के पटेल के साथ गुजरात के सूरत शहर में पहुँचे और उनकी एक कलेक्शन देखी, और मन किया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाए, जो कि वीडियो मैं लेट प्रोसेसिंग में डाल पाया हूँ, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भी इन गाड़ियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो के पटेल के यहाँ पर आप जा सकते हैं गुजरात के सूरत शहर में, जहाँ पर उन्होंने एक विंटेज कारों की एंटिक कलेक्शन कर रखी है। और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो अपने राजा महाराजाओं के दरबारों में, महलों में खड़ी हुई देखी होंगी, और ये फिर हिंदी फिल्मों में। ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ियाँ हैं और टोटल ओरिजिनल हैं, कोई मॉडिफाई की हुई नहीं है, कोई रिपेयर की हुई नहीं है। जो ओरिजिनल गाड़ियाँ होती हैं उनको के पटेल ख़रीद लेते हैं और अपने जो है वेंटेज कलेक्शन के अंदर उनको ऐड कर देते हैं। और इतना ही नहीं, गाड़ियाँ ही नहीं, उनके पास कुछ एंटिक बर्तन जो पुराने टाइम पे यूज़ होते थे, और कुछ ऐसी बाइकें जो आपने बहुत ही कम देखी होंगी, उनकी कलेक्शन भी उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। और अगली वीडियो में हम आपको इनके द्वारा कलेक्ट किए हुए, इकट्ठे किए हुए ट्रैक्टर दिखाएँगे। ये आप देख सकते हो कितना लंबा इनका बरामदा है, पूरा एक ग्राउंड इन्होंने बना रखा है जो कि कई एकड़ के अंदर है, और इसमें इन्होंने सारी वेंटेज कारें ही इकट्ठी कर रखी है। मैं आपको दोबारा से जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा नज़ारा आपको शायद ही इंडिया में कहीं देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे इंडियन ट्रैक्टर और इंडियन ज़मींदार के नाम से हमारे चैनल चल रहे हैं। और ये कुछ गाड़ियां और बच गई थी जिनको मैं एक बार आपको फिर रूबरू करवा देता हूं। और बहुत बेहतरीन गाड़ियां मतलब के पटेल ने इकट्ठी कर रखी हैं। हमारे बहुत ही तगड़े फॉलोअर हैं, काफ़ी समय से इनकी हमारी बातें होती रहती थी लॉकडाउन के चलने से पहले ही, लेकिन गुजरात हरियाणा से दूर होने की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे, और जिस कारण हमने सोचा चलो आपको एक वीडियो दे ही देते हैं इनकी बना करके। और अगर के पटेल हरियाणा में नहीं आते घूमने के लिए तो शायद मैं उनके साथ नहीं जा पाता, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझे बुला रहे। जब वो यहाँ मिलने के लिए आ गए मुझसे तो फिर मैंने सोचा चलो भाई बना ही लेते हैं एक वीडियो। तो किसान भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। सब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार। जय जवान, जय।